मेरा नाम मोनू कुमार है और यही मेरी कहानी है। मेरा पेंटिंग में शौक बहुत टाइम बाद बना, क्योंकि मैं आर्मी में जाना चाहता था या पुलिस में, पर बहुत बार ट्राई किया तो आर्मी और पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। और उसके बाद ऐसा था कि बहुत सारे काम किए मैंने, पर उसके बीच में क्या था कि मन में यही चलता रहता था कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ वही बचपन में भी स्कूल टाइम में मैं पेंटिंग बनाता था, छिप छिप के। स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता था तो मैं पेंटिंग बना रहा होता था, तो कई बार टीचर से मार पड़ी और घर में भी कई बार मार पड़ी कि पढ़ाई कम करता है और पेंटिंग जो है वो ज़्यादा करता है। तो एक टाइम मेरा कज़न ब्रदर था कोई, तो उसने मुझे बताया कि एक मेरे जो थांका पेंटिंग के गुरु हैं वो मेरे थोड़े जान पहचान के हैं, तो उनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी उनके साथ की। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसे ऐसे पेंटिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, तो उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी कि नहीं चलो चल सकता है। तो उनके साथ मुझे 2 साल थांका पेंटिंग सीखने का मौका भी मिला, मैंने काम भी किया उनके साथ। और बाद में क्या हुआ कि 2007 में कांगड़ा पेंटिंग का स्कूल खुला धर्मशाला म्यूज़ियम में, तो मैंने वहाँ पे भी टेस्ट दिया और मैं पास हो गया। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने मुझे बताया था कि जो ये कांगड़ा पेंटिंग है उसका स्कूल खुल रहा है और अगर आप ट्राई करें तो शायद आपका तुक्का लग सकता है। तो मैंने वहाँ पर ट्राई किया और मैं सच में मुझे मौका मिल गया कांगड़ा पेंटिंग सीखने का। और फिर मैं अभी 8-10 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, पर उसमें जो मुझे मज़ा आया और मैंने जब राधा कृष्ण की स्टोरियाँ पढ़ी और उनकी पेंटिंगें देखी और जो उसमें जो पेंटिंगों के चेहरे बने हैं, उनके भाव बने हैं, और जो पीछे जो यानी कि जंगल बताए होते हैं उस पेंटिंग में, उनके जो फूल पत्तियाँ और वो जो पूरे नाजुकता है उस पेंटिंग में, वो जब मैंने देखी तो मैं उसी में डूब गया। तो मुझे यही लगा कि नहीं, ये पेंटिंग सबसे अच्छी है और इस पेंटिंग से ज़्यादा मज़ा मुझे किसी पेंटिंग में नहीं आया आज तक। तो अब मैं वही है कि जो पेड़ पौधे बेलें जो पेड़ों के साथ लिपटी हुई हैं, तो उसमें मैं हर चीज़ में उस पेंटिंग में हर जगह कृष्ण राधा को महसूस करता हूँ कि वो उसमें पूरी पेंटिंग में वो समाये हुए हैं, जैसे कण कण में भगवान बसते हैं। तो वही कांगड़ा पेंटिंग में हर चीज़ में वो बसते हैं, यानी कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो रंग हैं, जो पत्थर के रंग, जो स्टोन कलर, नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं, उनके जो निखार है उन रंगों का, वो अजीब है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। धन्यवाद।